गुड मॉर्निंग क्लास यूकेजी बच्चों, विषय आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक आओ ज्ञान बढ़ाए स्वर खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, इसमें आज आप खोलेंगे पेज नंबर 14। अब पेज नंबर 14 में बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का, और देखिए इसमें हम ई की मात्रा वाले दो अक्षरों को अपनी कॉपी में लिख चुके हैं और आज हम इनमें ई की मात्रा वाले तीन अक्षरों वाले और चार अक्षरों वाले शब्दों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। तो आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए बच्चों और देखिए, कॉपी में सबसे पहले आप डालेंगे आज की दिनांक 13 अगस्त 2021 और फिर लिख लीजिए ई, बड़ी ई की मात्रा जो वर्ण में पीछे लगाई जाती, वर्ण के पीछे, तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। और इन शब्दों को हम अपनी पुस्तक में पढ़ चुके हैं, आज हम इन्हें कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले, देखो ग, फिर गौ, फिर इसमें रौ, रौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बनेगा गगरी, गौ प्लस गौ, फिर इसमें रौ और रौ के साथ बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बना गगरी। फिर दूसरा देखिए आप, यहाँ पे है लौ प्लस गौ, फिर लौ, लौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बना लकड़ी। फिर तीसरे में देखो ब प्लस कौ, फिर रौ, रौ पे बड़ी की मात्रा, तो ये शब्द बना आपका बकरी। फिर इसमें देखो चौथा शब्द है, यहाँ पे है ओ, और पे आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा आ, लौ, फिर शौ, शौ पे बड़ी ई की मात्रा, आलसी। फिर यहाँ पर देख लीजिए पांचवा शब्द है, वो चार अक्षर वाला है, तो देखो इसमें नौ प्लस मौ, फिर कौ, कौ पे बड़ी ई की मात्रा, और फिर नौ, तो ये बना न म की न नमकीन, न म की न नमकीन। और फिर देख लीजिए छठवे में है दो, दो पे बड़ी ई की मात्रा दी, पौ, पौ पे आ की मात्रा पा, वो लो, लो पे बड़ी ई की मात्रा दीपावली, दीपावली। और फिर सातवें में देखो फो प्लस रो प्लस वो, फिर रो, रो पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बना आपका शब्द फरवरी, फरवरी। फिर आठवें में देखो ज प्लस नौ प्लस वो, फिर रौ, रौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बना आपका शब्द जनवरी, जनवरी, फरवरी। इन दोनों में क्या है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह बच्चों आप भी इन अक्षरों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन अक्षरों को मिला मिलाकर शब्द बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों आज आप यह कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।